आज मैं अपनी छोटी बहन बीना के यहाँ चल रहे हैं, तो चलिए आप सभी को बहन के सब पूरे परिवार से आप सभी को मिलाऊंगी और वहाँ पे आप सभी को घर के एक छोटे से नन्हे से नए सदस्य से आप सभी को मिलवाने वाली हूँ। अभी तो रास्ते में ही, क्योंकि मेरी से जो छोटी बहन है उनके हस्बैंड मिल गए थे, उनके घर चली गई थी शशि के यहाँ, तो वो जो है रास्ते में ही मिल गए मुझे, वहाँ गई हूँ, चाय पिया है, उसके बाद अब बीना के यहाँ निकल रहे हैं, तो चलिए वहीं पे आप लोगों से फिर से मिलते हैं। हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी जरूर बताइएगा। आज मैं अपनी छोटी बहन बीना के यहाँ आई हूँ। ये पापा है बीना के, ससुर जी। हम सब मिल लिए, घर में चली गई। पहले सोचा था वीडियो बनाऊंगी नहीं, लेकिन मैंने अभी डिसाइड किया कि बना ही लेते हैं। अभी बहन को छोटी सी बच्ची हुई है, आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। पापा ने घर के सामने ही एक नया प्लॉट लिया है, वही हमें दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, अच्छी लंबाई है। कितना है, कितना बाई कितना? 30 बाई 70। बढ़िया, आमने सामने है। यहाँ इसके जस्ट अपोजिट में देखिए अपना घर भी है यही। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आइए हम लोग एंटर करते हैं। रवि पहले ही आके खड़े हैं। आप लोग विजेश से मिलिए, बीना के हस्बैंड। तो अभी तो हम लोग चल रहे हैं, अंदर चल रहे हैं और आप लोगों को बच्चे से भी मिलवाते हैं। कुछ बोलो, कैसा लग रहा है? हेलो एवरीवन। तो ये विजेश है, मेरे हम चार बहनों में सबसे छोटे। कुछ बीना है, बीना के हस्बैंड है। और राम सागर से आप लोगों को मिला ही दिया, आगे जो है रीना के हस्बैंड से आप लोग मिल चुके हैं। कितना बढ़िया गार्डन पापा ने तैयार किया है, मैं ये पहले दिखाऊंगी क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा गार्डनिंग का शौक है। फूल वगैरह कितने अच्छे फूल लग रहे हैं, सब कुछ है, करी पत्ता, नीचे अरबी, खूब अरबी हो रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है। चमेली नहीं, वो चांदनी इसका फूल बड़ा बढ़िया, बहुत खुशबूदार, चढ़ा तो नहीं सकते भगवान को, लेकिन बहुत ही खुशबूदार। अरे इसको कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, मैंने भी खरीदा था, बहुत अच्छा खुशबू का फूल आ जाता है। जैसे राम के जो फेंकी है, वो क्या नाम बोलते हैं, ये वाला बड़ा मोटा वाला फूल। अच्छा, जब देने बहुत बड़ा हो गया, उसका फूल आता है तो रात खुलता है और सब झड़ जाता है। हाँ, मोटा पेड़ है, हरसिंगार। अच्छा, हरसिंगार अभी फूल नहीं है, खुशबू वाला फूल है। फूलाएगा गर्मी के मौसम में ज्यादा खुशबू होते हैं। गर्मी देखो, सबको पसीना नहीं हो रहा है, मुझे अकेले ही हो रहा है। अरे वो प्लॉट बहुत अच्छा है, मेरा मन, मैं थोड़ी सी जगह में, पापा ना थोड़े से गमले में भी सब्जी उगा लेती हूँ। उसमें तो मैं बड़ा काम कर लूँ, पूरा आलू वगैरह सब। हाँ, हो जाएगा। अच्छा भाव, अच्छा ये बाल्टी की मिट्टी में हो गया, काफी फैल तो गई हो, अभी फूल नहीं है। सूख
रात रानी है। मुझे भी थोड़ा बहुत पौधों पता रहता है, मुझे थोड़ा बहुत जरूर पौधे का। पहले ना नीचे तक वहाँ पे लाए बबलू लाए ये सब, ये अच्छा लगा ग्रीन, एकदम ग्रीनरी वाला। ये वाला तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन वाला, ये वाला। एक ये है इसे गंदे, अच्छा इसमें हाँ फूल जाता है बाद में सर्दियों में ना। हाँ सर्दियों ये बहुत बढ़िया, अच्छी खुशबू है। हमारे गांव में इतना मोटा एक पेड़ था और उसका फूल जो है तोड़िए तो इतना जबरदस्त थी, मतलब काफी जैसे नीम का पेड़ जितना बड़ा, नीम का पेड़ उतना बड़ा, नीम लगा दिया सर। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत बढ़िया। तो आइए एंटर करते हैं और बच्चे हमारे बीना, मम्मी पापा ने खूब अच्छे से सजा के रखा है अपना ड्राइंग रूम। ये देखिए ये बाबा जी है, पापा, पापा के साथ है दोनों भाई। अच्छे से कैबिनेट वगैरह करके मैंने कहा कोई नहीं मंदिर है। हाँ अच्छा अभी पूजा नहीं हो रही है। बढ़िया अलग से एकदम मंदिर रूम बना रखा है पापा ने। इधर सब सामान रखने का, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे बाहर से स्वास्तिक करके, एकदम नॉर्थ ईस्ट के कोने पे सही है, ईस्ट फेसिंग है। किचन आपने खूब मेहनत करके बनाया है, हाँ थोड़ा हाँ यहाँ पे स्टोर रूम कर दिया है, सारे सामान एक जगह आ जाते हैं। बढ़िया अच्छा एक कमरा इधर है, नहीं मैं नहीं देखी कभी। हाँ कोई भी आए थे मेहमान वगैरह, हाँ बढ़िया पूरे कमरे में बेड डाल दिया है। बढ़िया एसी लगा दिया है, सब सो एक साथ। अच्छा इधर बच्चा पार्टी इधर है, सब यहीं खेल रहे हैं। आपको सबसे पहले गार्गी सभी प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं। ये सब के सब एंजॉय कर रहे हैं, खूब मजा आ रहा है, ये लोग घर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। थैंक यू गार्गी, ये मेरी गार्गी है, ये देखो चाची और चाचा दोनों। हेलो गार्गी, और चाचा से मिलिए पहले तो आप लोग, और चाची तो है विभू गुड्डा। ये देखो चाचा चाची सब मस्ती खूब मजे कर रहे हैं, लोग घर जाने के बिल्कुल मूड में नहीं है लोग। प्लेइंग कार्ड चल रहा है और अभी तक ये देखिए बाउलिंग चल रही थी यहाँ पे। बहुत अच्छे से इन्होंने भी अपना रूम डेकोरेट कर रखा है,
मुझे बड़ी अच्छी लगी ये पेंटिंग, वॉल पेपर है, पेंटिंग है, पेपर है, बहुत सुंदर। गार्गी के किचन सेट पहले भी मैंने सबको दिखा रखा है, किचन सेट का कितना शौक है गार्गी को। है गार्गी, और गार्गी के क्लिप्स ये गार्गी के क्लिप्स नहीं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इससे। इधर एक रूम और है, स्टोरेज जैसा है वो कर रहे हैं, इसमें अटैच है, उसमें सब अलमारी वगैरह सब है, सब फ्री, हाँ सब कम्प्लीट, कोई दिक्कत। एक बार इसमें डबल बेड डाल करके कोई व्यवस्था बना लिए, एंट्रेंस पे आग जलाई जाती है, जो कि धुआं लेके लोग जाना चाहिए, वैसे सभी लोग हाथ पे धुआं करके जाते हैं, पहले का तरीका था। तो आइए अब छोटा बेबी से मिल लीजिए आप लोग, छोटा बाबू सो रहा है अभी। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनका नींद में ही जाएगा। और मम्मी से मिलिए, ये है हमारी बीना। और हमारी बीना की मम्मी यानी सासू माँ। अब विजय से आप लोग मिल ही लिए हो। चाचा के गोदी में, सही बात है। उठ गए, उठ गए, उठ गए। बेटा बेटा अलग ही फीलिंग लग रही है। ठंडी लग रही क्या? गुड डॉग। डर क्यों रही हो? तो मैंने अभी सबसे मिल लिया, आप लोगों को भी मिला दिया है। अब मैं यहाँ से विदा लूंगी, जल्दी से ही चल निकलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे काफी दूर भी जाना है, लंबा जाना है। तो एक बार मम्मी को प्रणाम कर लेती हूँ आप लोग। मैं पाँव छू के फिर निकलती हूँ। हेलो, पकड़ो कैमरा। बैठा
बंद कर दो भाई सब। आपको सुल्तानपुर का मार्केट दिखाती हुई चल रही हूँ। ये देखिए साई सत्तु कॉर्नर। तो अब हम लोग वापस चल रहे हैं। सबसे आप सभी ने मिल लिया, उम्मीद करती हूँ आप सभी को। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप सभी को जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।